guys, welcome back to our channel Germany Guide in Indian Style. So if you are new to our channel, we prepare videos regarding Germany lifestyle, culture, tradition, custom. यहाँ से सारी चीज़ें related कि यहाँ पे कैसे लोगों की lifestyle है, what are the important things you should know, everything in detail आपको हमारे फैमिली में मिलने वाली है. सो बी अ पार्ट ऑफ फैमिली. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जस्ट गो एंड सब्सक्राइब नाउ, बिकॉज हम सोचते हैं कि हम आज कल परसों कभी तो कर लेंगे बट हम भूल जाते हैं. इन दैट वी मिस द इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी और नोटिफिकेशन. सो डोंट मिस इट, डू इट राइट नाउ, अभी नहीं तो कभी नहीं. सो डू इट राइट नाउ, आज कर लोगे तभी तो आपका आगे का भला होगा, राइट? सो गाइज, आज की जो वीडियो है इट्स अबाउट द 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट जर्मनी. जर्मनी के 5 ऐसे फैक्ट्स तो शायद आपको पता होंगे या नहीं भी पता होंगे, बट आप अगर यहाँ पे आ रहे हैं या नहीं भी आ रहे हैं तो आपको पता रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो बी विथ मी टिल एंड. सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट फैक्ट्स, जिसे बोलते हैं हमारा मेन सीरीज जो हम बोलते हैं चाय पे चर्चा. सो आप सबका चाय पे चर्चा पे स्वागत है. सो हमारी फर्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट जर्मनी ये है कि जर्मनी इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट बियर कंज्यूमर इन द वर्ल्ड. मतलब सबसे ज़्यादा जो सेकेंड लार्जेस्ट बियर बोलते हैं यहाँ पे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं लोग आफ्टर आयरिश. एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है बियर यहाँ पे ऑफिशियली कंसिडर्ड एज अ फूड इन बवारिया. बवारिया रीजन जो है वहाँ पे बियर को एज अ फूड भी कंसिडर किया जाता है. आज तक हम सोचते थे कि यहाँ पे फूड मतलब खाना होता है, बट कई कई रीजन में जहाँ पे स्पेसिफिकली इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट बवारिया रीजन, बियर इज़ कंसिडर्ड एज अ फूड. डोंट यू थिंक इट्स सरप्राइजिंग? मेरे लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था जब मैं ये फैक्ट्स को अंडरस्टैंड या मुझे पता चला. सो हमारा थर्ड इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि देर आर अबाउट 300 काइंड ऑफ ब्रेड्स इन जर्मनी. आई वॉज सो सरप्राइज कि मैंने तो बस 2 टाइप के ब्रेड्स देखे थे, एक वाइट ब्रेड एंड ब्राउन ब्रेड, बट 300 काइंड ऑफ ब्रेड मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था. देर आर 300 काइंड ऑफ ब्रेड्स इन जर्मनी. वेदर आप किसी की भी वॉट वी से थॉट ले लो कि सनफ्लावर के वॉट वी से सीड्स के ब्रेड्स मिल जाएंगे, राई ब्रेड मिल जाएगा, चॉकलेट ब्रेड्स मिल जाएंगे, एंड देयर सो मैनी हेल्दी वाली जो ब्रेड की वर्जन है ना, फुल कॉर्न ब्रेड, फुल ग्रेन ब्रेड, इवन यू कैन से स्प्राउटेड वाला ब्रेड्स भी आपको मिल जाएंगे. सो देयर आर लॉट ऑफ वेराइटी. इफ यू आर इन जर्मनी प्लीज ट्राई ऑल द काइंड्स ऑफ ब्रेड whenever you get the opportunity, don't miss it. Now, the fourth important facts यहाँ पे ये है कि गमी बियर, अगर आप जर्मनी में हो एंड गमी बियर आपने ट्राई नहीं किया तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है. गमी बियर जो होता है इट्स लाइक अ सॉफ्ट चॉकलेट्स गमी जैसे होता है. सो गमी बियर्स वे इन्वेंटेड बाय जर्मन. सो यहाँ पे आप देखोगे कि जितने भी सुपरमार्केट्स हैं वहाँ पे आपको गमी बियर्स मिलेंगे, बिकॉज ये लोगों का एक बहुत अच्छा, जहाँ पे भी अगर वो ट्रैवलिंग में जा रहे हैं उनके पास वो गमी बियर्स होंगे एंड इट्स टेस्ट रियली गुड. ऑल फ्लेवर्स, जैसे अपने इंडिया में गमी बियर नहीं बोल सकते, इट्स लाइक अ ऑरेंज लेमन के जो चॉकलेट्स मिलते थे, इट इज़ सिमिलर टू दैट, बट इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स हैं उनके पास. दे हैव द फ्लेवर फ्रॉम ऑरेंज टू कोको कोला, लीची, एवरी ऑल फ्लेवर जो बोलते हैं ना, ऑल फ्लेवर इज देयर इन गमी बियर. सो बी ट्राइड एंड एन्जॉय द फ्लेवर. सो हमारा जो आज का लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक जो आई नीड टू टॉक टू यू इज दैट कि देर आर ओवर 1000 काइंड ऑफ सॉसेजेस इन जर्मनी. 1000 काइंड ऑफ सॉसेजेस, कांट यू बिलीव? सो फॉर यू जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए ये स्पेशली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आई एम अ वेजिटेरियन, आई डोंट ईट सॉसेजेस. सो उनके लिए जो नॉन वेज खा सकते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा वॉट वी से फायदे का सौदा है. सॉसेज जो होता है इट्स अ टाइप ऑफ मीट, मीट का बना होता है, इट्स अ ग्राउंड मीट जो कि ऑफ्टन पोर्क, बीफ या बहुत सारे नॉन मीट से बन के जिसमें सॉल्ट स्पाइसेस डालते हैं एंड ग्राउंडेड फॉर्म में ब्रेड क्रम्स लगा के वो एक राउंड सॉसेजेस बनाते हैं. एंड
ये जो सॉसेज का जो मीनिंग होता है, जैसे लूज सॉसेज मीट जो कि छोटे छोटे पैटीज या छोटे छोटे स्किन्स फॉर्म में बनाते हैं सिलेंड्रिकल, ताकि वो पैटी जैसे अपनी टिकिया होती है वैसे ये पैटीज के फॉर्म पे बनाते हैं। सो ये जो होता है सॉसेज, सॉसेज के भी बहुत टाइप्स है अगर आप देखें तो। तो सॉसेज जो आपको शॉप में मिलता है दैट इज सोल्ड रॉ होता है, कभी कभी रॉ होता है, कभी कभी आपको यू नीड टू चेक द लेबल, इट इज पैन फ्राइड, कभी कभी ब्रॉयलिंग होता है, कभी कभी बारकोइंग होता है। सो ये जो होता है इट डिपेंड्स कि वो लोग कुक्ड सॉसेज किस तरह से यूज करते हैं। अभी जैसे अगर आप बात करें कुक्ड स्मोक्ड सॉसेज की, सो ये जो होता है इसको कुक किया रहता है एंड स्मोक्ड, स्मोक्ड मतलब जैसे हम कोल में स्मोकिंग करते हैं, इट इज़ लाइक दैट। सेकेंड जो सॉसेज आपको मिलती है इट इज़ फ्रेश सॉसेज। फ्रेश सॉसेज का मतलब ये होता है कि मीट जो कि क्योर नहीं है, मतलब वो रेफ्रिजरेट करते हैं एंड इट शुड बी थोरोली कुक्ड, आपको कुकिंग करना पड़ेगा बिफोर ईटिंग, सो दैट इज़ फ्रेश सॉसेज। एंड थर्ड टाइप होता है फ्रेश स्मोक्ड सॉसेज का मतलब होता है फ्रेश सॉसेज दैट आर स्मोक्ड एंड क्योर्ड। सो इतने सारे टाइप्स है। सो नॉन वेज वाले जो हैं उनको तो कोई टेंशन नहीं है, बस ये ले लो, दे कैन ईट विद ब्रेड और एनीथिंग, तो उनको कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है खाने के बारे में जर्मनी में। नाउ यहाँ पे आपको एक वेजिटेरियन सॉसेज भी मिलेगा जो कि इट्स मेड विदाउट मीट, फॉर एग्जांपल आप सोया प्रोटीन या टोफू भी मिलता है यहाँ पे हर्ब्स एंड स्पाइसेस है। सो कुछ कुछ वेजिटेरियन सॉसेज होते हैं जो कि वो कभी कभी वेगान नहीं होते, इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एग्स भी होता है, पर देयर आर वेजिटेरियन सॉसेज टू, सो जिसे ट्राई करना है वो ट्राई कर सकता है। सो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नॉन वेजिटेरियंस ही रहते हैं, वेज वाले लोग नहीं हैं, वेजिटेरियंस भी हैं एंड बहुत सारे लोगों को देखा है जो वेजिटेरियंस भी खाते हैं एज कम्पेयर टू नॉन वेज। सो दिस इज़ व्हाट अबाउट जर्मनी फॉर टुडे। सो आई थिंक ये जो इन्फॉर्मेशन है शॉर्ट एंड क्रिस्प एंड स्वीट, ये शायद आप लोगों को बहुत ज़्यादा यूजफुल आए। सो बी हैप्पी, स्टे हैप्पी एंड ऐसे ही हमारे इंफॉर्मेशन को आप लेते रहिए, लीजिए और एंजॉय कीजिए। सो टिल देन बाय, स्टे हैप्पी।